Hello and most welcome to everyone in our M&M rating DIY video. यहाँ पर आप लोग एक क्लासी एंड कलरफुल स्विंग देख रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने कैसे बनाया है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही ईजी है। आप भी अपने झूले को इस तरह पेंट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है हमारा बेसिक वुडन बेंच। क्योंकि ये एक ओल्ड वुडन पीस से बना हुआ है तो इसके ऊपर हमने ग्लास पेपर से घिस के सरफेस को इवन कर दिया है। इसके अंदर जो क्रैक्स होती हैं उसको फिल करने के लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे एक्रेलिक वॉल पुट्टी, और उसके बाद हम इसके ऊपर एक बेस कलर लगाएंगे। ये सारे कलर्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहाँ जाके इसको ऑर्डर और व्यू कर सकते हैं। कलर करने के बाद इसको एक दिन के लिए सूखने को रखें एंड नाउ इट्स डन। सूखने के बाद हम इसके ऊपर पेपर टेप अनइवनली ही लगा देंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम बना रहे हैं कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स। सो गाइस, टेपिंग हो गई है डन। अब बारी है कलरिंग की। इसके ऊपर हमने हमारे पास कुछ बचे हुए कलर्स थे उसको यूज़ किया है। आप अपनी चॉइस के कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। बचे हुए कलर्स में वाइट कलर ऐड करके मैं कुछ नए शेड्स भी बना रही हूँ। हमने इसमें यूज़ किए एशियन ऑयल पेंट्स। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं सारे कलर होने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। उसके बाद आप एक दिन सूखने के लिए रखें और उसके बाद आप टेप को रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद हमें हमारा बेस क्रीम कलर दिख रहा है और ये बहुत ही डायनामिक लुक दे रहा है। और एक बात का खास ध्यान रखें कि आप टेप के ऊपर भी थोड़ा सा कलर कर दे, क्योंकि उसी की वजह से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एंड आफ्टर रिमूविंग ऑल द टेप्स, हियर इज अवर स्विंग बेंच। हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये बेंच अच्छी लगी है, आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। अब जल्दी मिलेंगे एक नए DIY वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद M&M रेटिंग्स। बाय।